बुधवार का दिन था। दोपहर को बहादुरगढ़ की एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर गैस टैंकों की सफाई करने में व्यस्त थे कि अचानक जहरीली गैस के संपर्क में आने से 6 मजदूर बेहोश हो गए। उनकी हालत देखकर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी 2 का इलाज जारी है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और मृतकों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे और पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने इस मामले में फैक्ट्री के मालिक, मैनेजर और सुपरवाइजर के खिलाफ शिकायत दे दी है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों पर केस दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। जो ओद की सफाई करते हुए जो ओद के अंदर वेस्टेज जो होता है वो उसके अंदर वेस्टेज की गाद इकट्ठी हुई थी, वहाँ 6 मजदूर की सफाई करने के लिए उतरे थे, जो फिर जहरीली गैस होने के कारण उसमें भी बेहोश हो गए थे, जो जीवन ज्योति अस्पताल में एडमिट करवाए गए थे, जो 4 उसमें डेड हो गए थे और 2 अभी गंभीर रूप से घायल हैं जो भी एडमिट हैं। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? हमने FIR दर्ज कर ली है, अजय जो मृतक अजय है उसके फादर के बयान पर FIR दर्ज कर ली है, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। सर किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, किन की लापरवाही इसमें सामने आई है? ये हमने सुपरवाइजर कंपनी के मालिक और एंड का जो मैनेजर है उसके खिलाफ हमने मुकदमा कर लिया है और जल्द ही इनके खिलाफ है। बता दें कि बहादुरगढ़ के रोहत इंडस्ट्रियल एरिया में दिल्ली के पटेल नगर निवासी हितेश नाम के शख्स ने एरोफ्लेस सीलिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग नाम से कंपनी खोली थी। कंपनी में इंजन की गैस किट बनाई जाती थी। कंपनी में ही सफाई के लिए कई वेस्ट टैंक बनाए हुए हैं। इन्हीं टैंकों की सफाई करते वक्त 4 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। मरने वाले मजदूरों की पहचान यूपी के किहार निवासी राजबीर, नवाबगंज के मदीरापुर निवासी अजय कुमार, शाहजहांपुर जिला निवासी जगतपाल व बाराबंकी निवासी प्रकाश के रूप में की गई है। इस हादसे में घायल हुए यूपी के ही मयंक और विकास की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी एक टीम बनाई गई है। जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।